1988 में जो बीपी सिंह इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस चुनाव में परम माननीय कांशीराम साहब चुनाव लड़ रहे थे उनके सामने, तो दिल्ली प्रदेश की जो भी कार्यकारिणी है वहां पर चुनाव में गई थी। साथियों वहां पर झंडा लगाने नहीं देते थे, इतना बोलबाला हुआ करता था। एक जगह हम लोगों को जो ड्यूटी जहां लगाई गई थी वहां पर हमने जाकर के जब लोग सो जाते थे रात को तो हम डंडा लेकर के रात घर पर पीटते थे और यही नारा लगाते थे हम लोग कि जो हमसे हमारे काम को रोकेगा हम उसके काम को रोकने की कोशिश करने आए हैं और हम यहाँ झंडा लगाएंगे और जगह जगह दीवारों पर लिखते चले जा रहे थे। उसी बीच में चुनाव हो जब वो डेट पड़ती वोटिंग होती है तो एक बूथ था जसरा गांव था, उस जसरा गांव के अंदर बूथ की जो पेटियां थी भूसा में छुपा दी गई थी। साथियों पुलिस से संघर्ष करके हम लोगों ने उस पेटी को निकाला और पेटियों को निकाल करके काउंटिंग हुई वहां पहुंचवाई गई। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक संघर्ष वहां भी हुआ था। दूसरा संघर्ष, बहन जी चुनाव लड़ रही थी होशियारपुर से पंजाब से, तो वहां हम लोग गए तो वहां की हालत भी बिल्कुल ऐसी थी कि वहां पे कहते थे भाई कि कोई निकलेगा नहीं, इमरजेंसी लगी हुई है और यहाँ तो बड़ी मारपीट होती, उग्रवादी कुछ काम करते हैं। हम लोग रात को निकलते थे, पूरी रात हम लोग वहां पर लिखाई पढ़ाई करते, दीवारों पर लिखते थे, झंडा लगाते थे, लेकिन हम लोगों को वहां पर कोई नहीं रोका टोका, बल्कि हमें खुले तौर पर काम करने का मौका मिला। 1992 का चुनाव खत्म होने के बाद जब हम दिल्ली में आते हैं तो एक मौका ऐसा आया कि बहन जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की और उसी दौरान पर जो है बीजेपी वालों ने के साथ जो सरकार गिरी, तो जब वहां के दूसरे कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन लोगों ने क्या काम किया कि सबसे पहले जो दलित एक्ट था, तो दिल जो एक्ट खत्म कर दिया गया वहां पर अध्यादेश लाकर सरकार ने कर दिया कि जो हमारे लोगों के साथ जुर्म जाति होती थी, जो पट्टे मिले थे जिनको कब्जा किया था उन लोगों को रोका जा रहा था, दलित एक्ट खत्म कर दिया। तो साहब हमें काफिस में ही बुलाए, इन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि हम लोग 27 मई 1998 को एक धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आप दिल्ली के अंदर सबको इकट्ठा करो और इस प्रदर्शन को जबरदस्त किया जाए। हमने एप्लीकेशन लगाया पुलिस कमिश्नर के यहाँ कि हम लोग जंतर मंतर से होते हुए बड़ा खंबा रोड होते हुए जंतर मंतर जाएंगे और पूरा कनॉट प्लेस होते हुए मंडी हाउस होते हुए। इन्होंने परमिशन तो हमने दिया नहीं लेकिन मना भी नहीं किया और पूरी दिल्ली की भीड़ इकट्ठी हो गई। जब पूरी दिल्ली की भीड़ इकट्ठी हो गई तो हम लोग वहां से जब चलने लगे तो फोर्स आ गई बहुत तगड़ी, पुलिस कमिश्नर साथियों। फिर इसके बाद हम लोगों ने जब वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया तो उन्होंने मतलब पुलिस वाले आए, उसमें डीसीपी थे, एसीपी थे और बाद में जो है तुम्हारे पुलिस कमिश्नर भी आ गए। वो मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिए और कहे कि भाई आप उधर से रास्ते से नहीं जाकर के ये जो रामलीला ग्राउंड है इससे ऊपर होकर के आप जंतर मंतर जाएंगे, क्रॉस प्लेस की तरफ नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा भाई हमने तो लिख कर ऐसे दिया था, आपको बका दे हमको मना कर देना चाहिए, हम उधर से नहीं जाते, कोई बात नहीं, उधर धारा 144 लगी हुई है। तो हमने कहा भाई हमें क्या पता क्या लगी हुई है, साहब आ जाएंगे उनसे आप बात कर लेना। इतने देर में साहब कांशीराम साहब आ जाते हैं, आने के बाद कहा भाई क्या बात है, हमका सर ऐसी सी बात है, हमने जो रूट बताया था उधर से हम जाना चाहते और ये लोग मना कर रहे हैं। अच्छा हाँ भाई जब आपको हमने ये रूट दिखा हुआ इधर से जाने के कह रहे हैं तो आप क्यों मना कर रहे हैं, उनका सर धारा 144 लगी, कहते हम तो उधर से जाएंगे भाई। अब हम चलने लगे जब पूरी भीड़ के साथ उधर, तो मैं बार बार साहब मुझे बताते थे, अब तो एक मंच से बताने वाली बात नहीं है लेकिन हम चलो आज बता ही देता हूं आपको। साहब ने कहते थे कि भाई देखो जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसमें हमारे जो लोग आते हैं
बड़ी मुश्किल के बाद उनको यहाँ बुलाया जाता है। मैं नहीं चाहता किसी को चोट लगे, किसी को नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं करवाने के लिए तो बैरियर तक जाता हूं, लेकिन बैरियर को कभी तोड़ता नहीं। मैं कहा ठीक है सर, हम भी चौड़े होकर चलने लगे। जब बैरियर के पास पहुंचे, बैरियर के पास जब हम लोग पहुंचते आईटीओ पर, तो वहां पर पूरी फोर्स हम लोगों को घेर लेती है। तो मैंने कहा साहब अब क्या करें, तो कहते डरता है तू, तोड़ दे बैरियर। अब जैसे ही मैंने बैरियर पर हाथ लगाया, उन्होंने लाठियां चलाना शुरू कर दिया। पहली लाठी मुझे लगी धार और मेरा सर फूट गया। मेरे साथ में भाटला जी बैठी हूँ, उनकी भी चोट लगी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, फिर इसके बाद जो है सब लोग इधर छितर बितर हो गए और साहब को अरेस्ट कर लिया गया। ये 27 मई 1998 की बात है। और साथियों, हम लोगों को जब छितर बितर हो गए तो सब पुलिस लोग आए, हम लोगों का हॉस्पिटल लोगों ले गए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ साथियों, जो संघर्ष हुआ कोई एक दिन में नहीं, लंबा संघर्ष है। उस संघर्षों के बदौलत जो दिल्ली प्रदेश में आज इस तरह चहल पहल है, मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाएं और आगे बढ़े। और जन्मदिन के इस मामला पर मैं आप पहली को पूरा पूरा कोटि नमन करता हूँ और चाहता हूँ कि इस देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बने। आप लोग दिन रात एक कर दीजिए, ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा लाभ जब चल पड़ी है, ये जो गठबंधन हुआ इसे देश के अंदर क्या पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। आप सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। खुदा